सलाम अलैकुम अल्लाह यारी साहब की डीपी लगी हुई है जी। मेरे भाई क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा नाम जरियाब अली है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी फराज भाई, जी फराज भाई हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ आ रही है ब्रदर, बोले। जी, मैंने बात करनी थी शहबाज शहबाज भाई है ना आपका नाम? जी शबाज भाई मौजूद हैं जी, बात करें। ओके ओके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले कि आपने शहबाज भाई को कह दें मेरी कॉल नहीं काट रही इन्होंने। ठीक है, मेरी बिरादर कॉल यहाँ ठीक बैठे, यहाँ वो बैठे है हुए कॉल लेने के लिए, तो ठीक काटेंगे है क्यों? ठीक है, वही 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 जबरदस्त। और पूरी कंप्लीट, जब मैं बोलूंगा तब ये बात दरमियान में नहीं बोलेंगे, जब ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, और आखिरी में अगर ये इन्होंने क्वेश्चन आंसर करने होंगे तो वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये दो दो मिनट की जी बात ही हो। लेकिन एक चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जी इंतहाई जी अदब व अदब हाँ व हाँ आदाब के साथ मैं जब वही बोल रहा हूँ किसी को ना, मैं समझाई भी में एक गुफ्तगू से परहेज कीजिएगा। शिया अली हूँ और ये भी शिया अली है, मुझे पता है मोमिन के एहतराम करना है, लेकिन इन्होंने जिस तरह अल्लाह यारी साहब से जाके बात की थी ना, उस लेवल तक तो मेरा जाने का हक है, क्योंकि ये उतने आलिम भी नहीं है। ठीक है, ये खुद को कहते हैं कि मैं इतना आलिम नहीं हूँ, जिस तरह इन्होंने वहाँ बात की थी ना, मैं थोड़ा सा 2 कदम और आगे अगर चला जाऊँ मैं कोई गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मोमिन है मुझे पता है, लेकिन तलखी हो जाती है नहीं, बात करते हुए। बेहतरीन बेहतरीन। तो और जिस तरह अल्लाह यार ने फुका के मुतल्लिक गुफ्तगू की है, या राजा मैं आपके वजाम के फुकाम, मुतल्लिक वही उन्होंने तो बोल रहा गुफ्तगू हूँ की ना, है, मेरी वही तो बात मैं सुने ना, बोल फिर रहा आप हूँ। बात करें। जी पहले जी पहले जी पहले एक बंदे को बात करने देते हैं, फिर बात करते हैं। जी आप जी बात कर रहे हैं, उन्होंने जाके बात की है, तो अल्लाह जी यारी ने जिस तरह से मुराजा उजाम के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, या उनको वो गालम गलोच और उनकी तकफीर करता रहा है, तो उसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? उस लेवल पे नहीं बात करनी चाहिए थी इनको जाके अल्लाह यारी से? अच्छा, आप मेरी बात सुनेंगे? जी जी जरूर। आपने अभी खुद बोला है, तोहमत आपने अभी लगाई है, ठीक है, आपने बोला उसने गाली दी है। आप मुझे पूरे उसके लेक्चर में ना एक गाली, गाली का वर्ड हमें भी पता ही है, जितनी ऑडियंस सुन रही है ना इनको भी पता है कि गाली किसको कहते हैं। लानत को गाली नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा तो है यही कि हम अबू बकर उमर उस्मान को गाली नहीं देते, वो कहते तो तुम गाली देते हो, हम कहते हम तो लानत रुक देते जाए, हैं। रुक जाए, लानत, मैं बताता अब हूँ मेरी बात सुन लें, जी, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी बात सुन आप लें ना, बात को 2 मिनट की मुख्तसर बात करें है। ना। मैं वही, आपने बोला ना कि उसने बिद्दी बोला है, उसने काफिर बोला है, तो वो ना, वो उसके, वो जो बोल रहा है ना, वो उनको इस वजह से बोल रहा है कि वो उसको बिद्दी समझता है। और मैं अभी आया हूँ ना यहाँ पे, तो मैं वो साबित करने आया हूँ, मैं कोई और बात नहीं करने आया, मैं वही बात करने आया हूँ। तो आप मेहरबानी, ये शहबाज साहब आपने से, मुझसे शहबाज साहब ने से मेरी मुझे बात बात करने दें, उनकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप शहबाज साहब से जरूर बात करें। आपने मुझे कहा है ना कि मैंने उसके ऊपर तोहमत लगाई है, मैं जी आपको जवाब देता हूँ ना कि उसने गाली दी है। अगर एक जी शख्स कहे जी कि फलां शख्स जना करता है, जना गाली है कि नहीं है, अच्छा, और वो ना करता हो नहीं नहीं उसने, नहीं, उसने सबके बारे भाई में बोला है, जना जी, उसने सबके बारे में बोला है। आप बोल रहे हो ना कि आप, आपके मुश्तेद के बारे में उसने ये बोला है, क्या उसने सबके बारे में ये मिसाल बोला देते हैं, मैं कहता हूँ जरियाब भाई है? माजल्ला नहीं, सुमा माजल्ला जनाकार हैं, फेले लवातत में मुबतला है, मैं आपको गाली दे रहा हूँ या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? आपने क्या बोला पहले पहले? आपने बोला सब मैं मुश्तेद, अब आप एक बंदे वाइट के पे आ गए हो, तो आप नहीं ये नहीं नहीं बोलो नहीं उसने गाली दी है एक वाइट बंदे को, आप ये ना बोलो कि आपके सबके अच्छा मुश्तेद के सबको उसने गाली दी। अच्छा एक को दे दिया तो वो दुरुस्त है, सबको ना दे, नहीं ये कौन नहीं सी मंतिक अगर 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 उसके पास कोई नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई एविडेंस नहीं है, या उसको कोई इल्म नहीं है, तो वो उसके पास उसको, वो एविडेंस बात नहीं चलो था ना? गलत जब है। एविडेंस के पास भाई ने मांगा तो वो कहता है बंदा आपने बहुत हो उसे, गया है, मैं नहीं बताऊंगा उसको, तुम लोग मरवा दोगे, वो ये एविडेंस है? नहीं, अगर ये, चलो ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह नहीं है, अगर बात उसको हो, मतलब कि एविडेंस हो, तो तब भी बात करनी चाहिए बंदे को, ये तो बात आप मैं आपकी मान मान। गए ना कि उसने गाली दी थी? हाँ, गाली किस, चलें अभी अच्छा आगे चलें चलें। चलें, अब आगे चलें। अच्छा, अभी शहबाज भाई से मैंने बात करनी है, जरा जी शबाज भाई, आवाज़ आ रही है शहबाज भाई? हुक्म करें, जी आ रही शहबाज है, भाई, बेहतरीन जी आवाज आ रही है। शहबाज भाई, आपसे बात करनी थी कि आप क्या मानते हो कि ये जो तकलीद है ये शरी वाजिब है, या मतलब कि किस तरह, ये आप थोड़ा 2 मिनट में जो आप कहना चाहते हो, आपका मौके जो है। अभी पिछले भाई के साथ गुफ्तगू सुन रहे थे हाँ, आप? मैंने थोड़ी बहुत सुन ली है, और मुझे पता है आपने क्या बोला, अकली, आपने अकली बोला है ना, हाँ जी, अकली अकली। ओके, अब आप मुझे समझाएं कि अकली कैसे है, 2 मिनट में, आप छोटे छोटे जिस तरह हाँ बता। चलिए सही, और मेरा मौकफ पहले ये है ठीक कि, मेरा मौकफ ये है कि ये अकली नहीं है, ये अकल के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, आप अपना बताएं, है, मैं बताता आपका हूँ। मौका, ठीक है, आपका मौकफ है कि ये अकल के बिल्कुल ऑपोजिट है, सही बिल्कुल है, खिलाफ है जी, खिलाफ है, ठीक है। जो चीज अकल के ऑपोजिट खिलाफ है वो क्या होती है? गलत है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, अकल के जो भी गलत ना है, अकल ठीक है, गलत गलत है ना, ठीक है, गलत जी। है, वो गलत, हर गलत चीज बिदत होती है। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, आप ये तकलीद किस पे करवा रहे हैं कि दीन में,
ये नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाना है नहीं जाना, मतलब दीन के अहकामात में, तो आपको यहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम से हदीस लानी पड़ेगी। और आपके मैं अभी दिखाने वाला हूँ, आपके जो बड़े से बड़ा मुज्तहिद हैं जो इस टाइम के ये 200 साल 300 साल में, उनकी अपनी के उसमें लिखा हुआ है कि कोई एक हदीस नहीं आती तकलीद पे, ये अक्ल पे है। आप क्यों दिखा रहे हैं? मैं खुद कह रहा हूँ, आप क्यों दिखा रहे हैं? मैं जब कह रहा हूँ अक्ल है, तो फिर वही बोल रहा हूँ ना, तो फिर ये दीन का हिस्सा नहीं हुई ना। जब आपने बिदत की तारीफ कीजिएगा, आपने नहीं नहीं आपने अपना अक्ल यूज किया है ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप अपना अक्ल यूज करें, या हुजूर ने फरमाया है? हां कहा है, मैं दिखाता हूं, हदीस है, दिखाएं। अहले बैत ने कहा है कि वलील इंसान हुज्जतान, इंसान के लिए दो हुज्जतें हैं, दो चीजें हैं, हुज्जतु जाहिरा अहले बैत हैं, रिवायत मासूमीन है, हुज्जतुल बातिन आप हदीस पढ़ रहे हैं, आप हदीस पढ़ रहे हैं, निकाल दूं, हदीस पढ़ दूं, आपको पता नहीं है, आप मुश्तहिद हैं। तो मैं आपके लिए शरी मसला साबित नहीं कर रहा, मुज्तहिद वो होता है जो शरी मसले के साबित करने के लिए हदीस पढ़े, हदीस तो समझाए। आप तो कहते हो जो मुज्तहिद ना उसको तो हदीस समझ नहीं आ सकती। किसने कहा? कहां लिखा है? मैंने तो नहीं कहा। वही ना, जब आपने खुद बोल रहे हो, अभी आप पीछे वाले को बोल रहे थे कि अगर आपने, आपके मुज्तहिद कहते हैं अगर आपने दीन सीखना है तो आप पहले या मुज्तहिद बने या आप मतलब के तकलीद करें, तो अभी आप खुद वो काम करें जबकि आपके हैं भी नहीं मुज्तहिद, तो आप कैसे रवायत है? जैसे वो रवायत नहीं, आपने अकल पे बात करनी है क्योंकि आप मुश्तिद नहीं है। अगर मुश्तिद होते वो अगर मुझे बोलते ना कि मैं हदीस सुनानी है तो मैं उनकी बात मान लेता, आप तो मुश्तिद ही नहीं है, आप मुझे अकल के थ्रू समझाएं। आप जो बातें कर रहे हैं ना, आपने जितनी तकलीफ अभी भी आपने पीछे वाले बंदे के साथ जो बात किया, आपने उसको साबित किया कि आप अकल के थ्रू ये वाजिब है। अब आप मुझे अकल पे, मैं आपको रखूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा, अकल पे आपने मुझे साबित करना है कि ये वाजिब है या सही है, वो मुझे साबित कर दें। आप इतना ही साबित कर दें कि ये सही है, वो बताएं आप मुझे। इजाजत है? जी जी बिल्कुल, अब मैं चुप हूँ। देखें मेरे अजीज, क्या नाम है आपका? जरियाब भाई। जरियाब भाई, जरियाब साहब अर्ज खिदमत है, हमारा पहले मौकफ सुने उसके बाद आप कहें कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। भाई सामने वाला क्या कह रहा है? सामने वाला कह रहा है कि हम जब कहते हैं कि, पिछली भी आपने बात की, मैं उसका भी जवाब देता हूँ कि भाई ये आप कह रहे हैं दीन के मसले में, बिल्कुल ऐसा ही हम दीन के मसले में कह रहे हैं। दो चीजें मुख्तलिफ हैं, एक है दीन में, एक है दीन के मसले में, ठीक है? अकली बातें कर रहे हैं आप, आपकी अकली बातें आपकी अकल के मुखालिफ है, पता चल रहा है आपकी अकल के क्यों मुखालिफ है? दो चीजों को कैसे आप आपस में मिला रहे हैं? कह रहे हैं कि जी एक है कि दीन के मसले में और एक है दीन में। मैं दीन के मसले में, यानी क्या मतलब है? हज पर जाने के लिए मैं कहता हूं कि पासपोर्ट वाजिब है, तो ये इस वाजिब को मैंने दीन के मसले में वाजिब कहा या दीन में वाजिब कहा है? दो चीजें अलग हैं, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज, बात को समझें, आप दोनों को एक बनाकर लोगों को यही मुगालते जो हैं वो सब देते हैं, अल्लाह यारी साहब भी देते हैं और आप भी पेश कर रहे हैं। एक है दीन में किसी चीज को वाजिब कहना, अलग चीज है, और एक है दीन के मसले में किसी चीज को वाजिब कहना, दोनों में फर्क है। मिसाल मैंने उन भाई को भी दी, आपको भी दे रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ हज दीन का मसला है, उसको अंजाम देने के लिए मुझ पर पासपोर्ट वगैरह वगैरह ये काम जो है ताकि मैं वो जाकर वाजिब हासिल कर लूं, लाजिम है, ये दीन के मसले में मैंने लाजिम कहा है। तो आप बताएं कि मैंने जो दीन के मसले में पासपोर्ट बनाने को वाजिब कहा है, ये बिदत है, ये क्या कहते हैं मासूमीन की रिवायात के मुखालिफ है। इसी तरह तकलीद क्या है? दीन के मसले में वाजिब है, ना कि दीन में वाजिब है। अब इस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो बताएं। अच्छा, आपने जो बात की है ना कि पासपोर्ट ये बातें अभी चले, ये मैं बाद में करता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, जो सवाल मैं करने लगा उसका जवाब दें, क्या अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया होता कि तकलीद करनी है और हम तकलीद करते तो तब तो वो ठीक था, जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई हदीस नहीं है तकलीद पे कि आप तकलीद करो, उन्होंने कहा रवायत हदीस के, उस टाइम जो उस टाइम चलो कुछ में है कि फतवा का कुछ मतलब कि साहब को मुझे अब इतना याद नहीं कि इमाम ने फरमाया था कि जाके फतवा दो, वो फतवा भी यही होता था कि वो जाके हदीस सुनाते थे लोगों को, ठीक है? वो आपको पता है फतवा का अब लफ्ज मतलब अब मायने चेंज हो गया, उस टाइम वही थे कि हदीस सुनाना। तो अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो काम अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, मतलब आपने ना मिसाल के तौर पे ये इसी तरह है जैसे ये स्टार्ट तो हुआ था, ये सब कुछ ये हुआ उमरियों से कन्वर्ट हुआ इधर मतलब के अहले तशी में ये सब। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ फरमाई नहीं है वो कैसे हो सकती है, मतलब कि कैसे आप कह सकते हो कि ये दीन का हिस्सा है? मैंने कब कहा दीन का हिस्सा है? अच्छा, अब आप मान गए हो ना ये दीन का हिस्सा नहीं है, मतलब अभी तो बताया दीन में और दीन के मसले में दो चीजें भी तो बताई हैं, पर थोड़ी बोली है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अब मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर कोई बंदा ये तकलीद ना करे, ठीक है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि उसने कुछ गलत काम किया, ठीक है ना? जिस तरह आप अभी बोल रहे हो ये दीन का मतलब कि इसमें दीन में ये नहीं है, ठीक है ना? आप खुद बोल रहे हो। तो जो बंदा अब मिसाल के तौर पर आप उसे मिसाल दे रहे थे कि ना कोई अगर आप कोई आलिम के पास जाते हो, मतलब कि आप यही बोल रहे थे ना कि अकली दलील अकली के थ्रू के मतलब क्या एक जाहिल है वो आलिम के पास जाता है जाके तकलीद, इसी को तकलीद कहते हैं, इसको तकलीद नहीं कहते कहीं पे भी। ये तो आम है कि हर कोई, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे आलिम हैं वो जाके
تعلیم حاصل کریں, وہ جا کے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث حاصل کریں اور وہ لوگوں کو آ کے سمجھائیں. اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ اپنی اوپینین دے رہے ہیں, جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہمارے مطلب عالم ہیں وہ صرف اپنی اوپینین دے رہے ہیں, فتوے دے رہے ہیں, جبکہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری حدیث حجت ہے, انہوں نے اور کسی کو نہیں بنایا. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ کسی جگہ بھی کسی بھی طرح اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ غلط نہیں کر رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں غلط نہیں, جو اگر نہیں کرتا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, کیا اختلاف ہے؟ تو وہی بول رہا ہوں نا, تو اختلاف مجھے نہیں ہے, میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو عالم ہیں نا یہ دوسرے ٹریک پہ چلے گئے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ عمر کی تقلید کرنے کی جگہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری حدیث سناؤ لوگوں کو, اگر یہ والا سسٹم نہ لیتے نا تو آج ہم اس چکر میں نہ ہوتے کہ تقلید صحیح. ہونی چاہیے تقلید نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے دوری اختیار کی اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, جب انٹرنیٹ آیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے تو حدیث ہی نہیں, اس کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے, جبکہ ان کے اپنے مجتہد کہہ رہے ہیں کہ عقلی طور پہ, تو یہ سارا سسٹم, یہ ساری جڑ وہی ہے کہ جو قیاس کیا ہے ہمارے علماء نے. اور ایک عمری چیز میں حیران اس بات پہ ہوں, ہم عمری کیوں غلط کہتے ہیں؟ قیاس یہی کہ ہے نا کہ عقل کے تھرو یہ ثابت ہے اس لیے یہ کرو. اب اسی عقل کیا کہہ رہے ہو اور بھائی آئے ہیں, ان کو اپنا مقدمہ رکھنے دیں اور گفتگو کو ایک خاص طریقے کے ساتھ لے کے چلیں, یہ پھر ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے, آپ کا کیا مقدمہ ہے یہاں پہ؟ وہ ہر طرف جا رہے ہیں, ابھی بتا تو دیا ہے ان کو, تاریخ بھی بتا دی. ایک منٹ میرا نہیں رہا. جی برادر, تقلید کے متعلق آپ کا کیا مقدمہ, اپنا مقدمہ رکھیں یہاں پہ. جی جی, میں یہ بول رہا ہوں تقلید جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ میرا یہ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کو چاہیے حدیث سنائیں لوگوں کو اور حدیث کی مطلب تعلیم دے, میں یہ چاہ رہا ہوں. آپ مطلب آرام ہے؟ جی جی, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ بالکل واضح کریں نا اس چیز کو کہ جی جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور پھر آگے علماء کو جو مشاورت آپ نے دینی ہے وہ مشورہ دینا ہے وہ دیں. اس لیے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے جب فرمایا ہی نہیں ہے ایک چیز کا اور آپ اس کو دین میں لے کے آؤ تو وہ ہوئی بدعت. اگر آپ یہی کام اگر ابو بکر کرے عمر کرے تو وہ بدعتی. اگر ہمارے علماء آپ کو مطلب کہ لے کے ہیں درمیان میں اور اس کو بولیں یہ دین میں, میں مطلب کوئی بھی بہانہ کریں اور ان کو دین میں, آج تک لوگوں کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ نا بدعت مطلب کہ یہ جو تقلید ہے یہ واجب ہے. اب آپ اس پہ آ گئے ہو کہ عقلی بھی, اب آپ نہیں بکس میں نہیں. آپ یہ بتاؤ شاہبیز بھائی, آپ یہ بتاؤ کہ لوگوں کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تقلید تو واجب ہے بھائی؟ آپ نے دلیل کیا دیا لوگوں کو کہا جاتا تھا بھائی؟ یہ دلیل ہے, آپ خود بتائیں, آپ عقلان مند آدمی ہیں, یہ دلیل ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا؟ چلیں آپ سے میں نے پہلے پوچھا تھا نا, اگر میرا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں, آپ سے میں نے بولا تھا کہ آپ اس پہ دلیل دیں کہ یہ تقلید کرنا واجب ہے یا جو بھی ہے عقلی ہے, آپ نے اس پہ تو چپ ہو گئے, آپ نہیں گئے. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا حرام ہے, میں نے اس کو پوری وضاحت دی آپ کو, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی چیزیں میں کیا کروں. آپ نے کہا حرام ہے, حرام مطلب آپ نے ایک چیز کو دین محمد میں حرام کہا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہے؟ ہاں میرے پاس دلیل ہے, میں اور کیا کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی جب حدیث ہی نہیں ہے, حدیث ہی نہیں ہے اس چیز میں. جس چیز کی حدیث نہ ہو وہ چیز حرام ہوتی ہے. اچھا وہ چیز کیا حلال ہوتی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا کہ جس چیز کے بارے میں حدیث نہ ہو وہ چیز حرام ہوتی ہے, آپ یہ بتا دیں کہ ہاں حرام ہوتی ہے. ہاں اگر آپ اس کو یہ بولو کہ یہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے اور یہ اسی طرح دین میں ہے, تب وہ حرام ہوگی. یعنی حرام ہوتی ہے جب ایک چیز کی نسبت اہل بیت کی طرف دے کے کہا جائے اور وہ اہل بیت نے نہ کہی ہو, ایسا ہی نا؟ جی جی جی. تو مجتہد نے کہا کہ یہ عقلی اہل بیت نے نہیں کہا, تب کیسے حرام ہوگی؟ اچھا انہوں نے یہ دین سب کچھ یہ کر کس پہ رہے ہیں؟ عقلی جو کر رہے ہیں بھائی. مثال دیجیے ایک چیز, دین کے مسئلے میں کچھ کرنا اور ہے, دین میں کچھ چیز کرنا اور ہے, آپ کو یہ دو بڑا دو بات سمجھ نہیں آتی؟ دین کے مسئلے میں اب وہ مطلب آپ کو اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ دین کے مسئلے میں, وہ دین کا ہی مسئلہ ہے نا, دین کے ہی اندر ہے, یہ تو نہیں دین کے باہر کوئی مسئلہ ہے. دین کے باہر کوئی مسئلہ وہ کر رہے ہیں. چلیں اس کا جواب دے دیں پھر. دین کے مسئلے میں یعنی حج واجب کرنے کے لیے پاسپورٹ بنانا واجب ہے, یہ جائز ہے حرام ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں, یہ پاسپورٹ کیا آج کی مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی صحیح تو ایگزامپل دیں, اب پاسپورٹ کی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کب سے ہوا ہے پاسپورٹ والا چکر؟ حج نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ کوئی اور طریقے سے جاتے تھے, وہ گھوڑے پہ جاتے تھے, وہ خچر پہ جاتے تھے, ٹھیک ہے.
हम अपनी तो बात कर सकते हैं ना, अपनी तो बात आप कह रहे हैं, इसलिए आपको समझाया शुरू में, दीन के मसले में एक चीज का कहना और एक कहना दीन में ये चीज वाजिब है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलें ठीक है, ये बात आपकी चलो मैं मान लेता हूँ। अब मुझे ये बताइए, आपने जो बोला ना ये अकली तौर पर वाजिब है, अब मुझे इस पर थोड़ा बताएं कैसे ये वाजिब है। देखो पहले देखें जरिया भाई, पहले चीज को समझें कि एक चीज बिदत कब बनती है। अब इसका मतलब ये तो साबित हो गया कि इसका ये ना हराम है ना बिदत है, ये चीज साबित हो गई। आप बताएं बताएं अभी अभी बताएं आगे थोड़ा, तो बता रहा हूँ ना यहाँ तक, तो एक स्टेप बाय स्टेप ये चीज साबित हो चुकी है, ये चीज वाजे आपके लिए। चलें ठीक है, हाँ आगे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी नाज़रीन, हमारा पहला यहाँ पे स्टेप हो चुका है कि तकलीद को चूंकि वो दीन का हिस्सा नहीं कह रहे, दीन में वाजिब नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि दीन के मसले तक पहुंचने के लिए ये एक रास्ता है, आप इस रास्ते पे चलेंगे तो उस दीन के मसले तक पहुंच जाएंगे। तकलीद एक रास्ते की, इसे हम अपनी इल्मी इस्तेलाह में कहते हैं तरीकियत और मौदूयत, ये दो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, ये तरीकियत है, ये रास्ता है जो आपको दीन के मसले तक पहुंचाता है। बस पूछो एक सवाल पूछो, अभी करने देना, अभी कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो फिर चलें, अभी फिर सवाल आ गया तो पूछ लें। क्या ये अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया, ये जो आपने दो अभी लिए नाम जो भी, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये जो पासपोर्ट बनाने अहले बैत ने कहीं बताया, ये दीन, ये पासपोर्ट दीन का मसला है, हज हज दीन का मसला नहीं है, हज हासिल हज करने के लिए आपको पासपोर्ट बनाना लाजिम नहीं है आपके ऊपर, तो वो तो बनाना है, वो तो दीन का तो हिस्सा नहीं है ना, कि दीन का कोई मसला तो नहीं है, वो दीन का तो नहीं मसला, तो मैंने कब कहा कि तकलीद दीन का मसला, मैं कह रहा हूँ दीन के मसले तक पहुंचने के लिए, भाई बात समझिए भाई, आप सुन रही है या समझ नहीं रही, दीन के मसले तक पहुंचना है ना कि ये मसला है खुद दीन का। ठीक है ठीक है, मैं और मिसाल देता हूँ भाई, मैंने नमाज पढ़नी है, ठीक है, नमाज के अंदर शकियात नमाज है, वाजबात नमाज है, मुस्तहबात नमाज है, ये जो सारी चीजें मैंने जुजियात सीखनी है, इसको आप हज वाले मसले के साथ, मैं इसलिए बार बार वो मिसाल देता हूँ क्योंकि 2/2 है, अंडरस्टूड है, एक हर बंदे को समझ में आ जाती है कि ये जो मैंने नमाज के मसाइल सीखने ताकि मैं अच्छे से नमाज पढ़ सकूं, इस मकाम यानी ये चीजें हासिल करने के लिए मुझे इस तकलीद के रास्ते से गुजरना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे हज अंजाम देना जो मेरे ऊपर दीन ने लाजिम करार दिया, मेरे ऊपर पासपोर्ट बनवाना, जहाज पे बैठना, वहां पहुंचना, ये जो रास्ता मैंने यहाँ पे ये तय किया है, यहाँ पे तकलीद का रास्ता तय किया, तो इसकी हैसियत बिल्कुल एक जहाज पे बैठने की और एक पासपोर्ट बनवाने की हैसियत की तरह है कि जिसका वहां जैसे उसका दीन के साथ ताल्लुक नहीं है कि शरी तौर पर वाजिब है, इसका भी ऐसे ही है, तो लिहाजा ये बिद्दत किसी सूरत नहीं बनती। ठीक हो गया मेरे भाई? ओके हाँ, अब आप बताएं, यहां तक क्लियर हो गया? अब आपने कहा कि मेरी अकल नहीं मानती इसको, ऐसे ही है ना आपने कहा? जी जी हाँ, अब आप कहते हैं मेरी अकल नहीं मानती तकलीद को, मुजतहिद ने आपको सिर्फ ये नहीं कहा कि आपने तकलीद करनी है, उसने आपकी अकल के मुताबिक, क्योंकि उसे पता था ऐसे अफराद भी होते हैं जिनकी अकल इस चीज को नहीं मानती, उसने पहला रास्ता आपके लिए, ये दूसरा, ये इसके वो कहते हैं सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है कि खुद मुजतहिद बन जाओ। ओके तो वो आप बन गए हैं? नहीं। तो आप दीन पे अमल करने के लिए जो अब आप और मेरा दोनों का इत्तफाक है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताबुल्लाह व इत्रतीन, दोनों का इत्तफाक है, ठीक है। अब इस किताब, ये दो अल्लाह ताला के रसूल, ये दो चीजें छोड़कर गया है, अब इसमें एक इत्रत अहले बैत है, अब उनकी अहदीस और उनकी रिवायात, उनका नूर जो है वो हम तक पहुंचा हुआ है, अब हम दोनों ने इस पे अमल करना है, आप कौन सा रास्ता, मैंने रास्ता इंतखाब किया क्योंकि मैंने कहा मैंने तकलीद को रास्ता करार दिया, मैंने तकलीद का रास्ता इंतखाब किया और मैं अहले बैत के बताए हुए दीन पे अमल कर रहा हूँ, मुझे इत्मीनान है, आपको इस पे इत्मीनान नहीं आया, आप किस रास्ते का इंतखाब करते हैं? मैं वही तो, आप नहीं, आपने जो रास्ता अख्तियार किया ना कि आपने जो तकलीद का, अब मुझे उसका ना जरा बताएं कि अकली तौर पर आप जो बोल रहे थे ना उस बंदे से कि अकली तौर पर ये मुझे लगता है ये अकली तौर पर सही है, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कैसे है, ये तो बाद में बात करेंगे ना कि मैं किस रास्ते से जाता हूँ, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं आप उसको मुझे पहले साबित करें कि अकली तौर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने तो अर्ज कर दिया भाई मेरी अकल, जब अकली वाजिब है मेरी अकल कह रही है, आपकी अकल नहीं कह रही, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरी अकल कहती है कि रिवायात मासूमीन को पढ़ना और उनसे दीनी मसाइल को, क्योंकि देखें कुतुब अहदीस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लिखे गए, कुतुब अरबा हमारी फिकी मसाइल पे मुश्तमिल है, ठीक है जी जी हाँ, एलल शराइ किन मसाइल पे मुश्तमिल है, उसमें फिकी मसाइल नहीं है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ दीन के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें थी उनकी इल्लतें बयान हुई हैं, उसके बाद तोहफुल उकूल जो है इब्न शुबह हरानी के, उसमें अखलाकियात की रवायत है, या मिजानुल हिकमा आजकल मिलती है उसमें इस तरह की रवायत है, मानियुल अखमार में मुख्तलिफ रवायतें हैं, मैं कहता हूँ कि जो दीन, नमाज, रोजा, हज, जकात, इस तरह के जो फरी मसाइल हैं जिसमें बेशुमार रवायात हैं, क्योंकि हमारे जो तीन मुहम्मदून सलासा थे इन्होंने क्या किया, ये इतनी सारी रवायात जमा की, या वसाइल शिया में 36,000 रवायात हैं, मैं अपने आप को अकली तौर पर आजिज समझता हूँ कि मैं मासूमीन की इन तमाम रिवायात में होता जनी करके वो चीजें निकाल लूं कि जिससे मैं अपने दीन पे अमल कर सकूं, मेरी अकल इसको मुझे अपने आप को आजिज कहती है, आपकी अकल नहीं कहती, अब वो आप बताएंगे, ये इस वजह से मैं तकलीद के रास्ते पे जा रहा हूं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, या आप देखें जरा मैं दरवाजा खोला हूं, आप इतने बताएं या उनसे बात करें। जी मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर आ रही है आपकी आवाज। जी जी मुझे शहबाज भाई से एक सवाल करना था, वो आज अंदर सवाल रखें, आप सुन रहे हैं? अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि चलो इन्होंने ये मान लिया कि इनकी इनकी ये सोच है कि
किसी एक कोई एक मुश्तहिद हो जिसका ये फॉलो करें और इस तरीके से मतलब दीनी अहकामात में ये इस तरह ये फॉलो करें मतलब अहले बैत अलैहिस्सलाम को। मेरा सवाल इनसे ये था कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किस तरह सही है, ये नहीं आपने आप अपने ओपिनियन दे रहे हैं, आप मुझे फैक्ट दें कि ये किस तरह से सही है। आप ओपिनियन आप वो तो कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है इसलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिस चीज़ पे आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, मुझे उसकी ना ज़रा फैक्ट दें कि या हदीस दें या मतलब कि कोई अकली तौर पर एग्जाम्पल दें, कोई ऐसी मतलब कि कोई फैक्ट मेरे सामने रखें। आप हदीस दे दी तो हो जाएगा वजूब शरी, हमारा तो इत्तेदाम ही तय कर चुके हैं कि इसका वजूब शरी नहीं है, तो हदीस वाला ऑप्शन खत्म। तो ठीक है, तो आप ये आपका सवाल ही आपका गलत था कि मुझे हदीस दे दें, भाई हदीस का तो शुरू में तय कर चुके हैं हम। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं अब अकली तौर पे आपसे मांग रहा हूँ कि आप अपने अकली तौर एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल दें कि ये किस तरह से, जैसे आप उसको समझा रहे थे, जैसे आप उस बंदे को बोल रहे थे कि अकली तौर पे ये वाजिब है कि एक जाहिल एक आलिम की तरफ जाता है रुजू करता है, आप उस रुजू को तकलीद के साथ मिला रहे थे। ये तो हर इंसान को पता है, मैं नहीं मिला रहा, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, हर इंसान को पता है कि कोई भी इंसान ना शेख तुसी को तो आप कुछ समझते हैं ना, हम तो किसी खाते में नहीं है, शेख तुसी को कुछ समझते हैं, दिखाऊं स्क्रीन पे लाऊं मैं? ठीक है, वो मैंने बात ही नहीं की उस पर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हर इंसान को पता है कि हर इंसान ना जाहिल, अगर एक इंसान मतलब के जाहिल भी हो उसको बोल दो ना कि आलिम है तो उसको अच्छा लगता है, हर कोई तलीम मतलब इल्म की हासिल करना चाहता है। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हो कि अकली तौर पर मिसाल के तौर पर आप जिस तरह उसका एग्जाम्पल दे रहे थे, आप अक्सर मैंने देखा आप लोग देते हो डॉक्टर के एग्जाम्पल कि आप भी मतलब कि डॉक्टर के पास जाते हो, उसको कोई डॉक्टर के एग्जांपल मैंने नहीं दी उसको भाई, मैंने आपका नहीं बोला, मैंने आपका नहीं बोला, मैंने बोला आप मेरे साथ मेरी बात करें ना, उधर ना जाए टाइम जाया हो जाएगा, उधर ना जाए मेरे साथ मेरी बात करें जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा मुझे वही जानना है ना आपका कि आपको किस तरह ये लगा कि अकली तौर पर यह सही है। उसी की तो भी वजाहत किया है, हीर रांझा का किस्सा थोड़ी सुना, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा आपके लिए वजाहत देता हूँ, दोबारा वजाहत देता हूँ, सुनिएगा जरिया भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये क्या है, ताजी बोला काम वो तो बेरबा पढ़ी है, हदीस की किताबें पढ़ी है। अब आपने और मैंने, मेरा इस चीज पे इत्तेफाक है ना कि हमने क्या कहते हैं दीनी जितने भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी हमने उसको अंजाम देना है, आप और मेरे इस पे तो इत्तेफाक है ना? जी 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 हाँ, आपका मेरा और इस पे इत्तेफाक है। अब हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या करना है, आपका और मेरा इख्तलाफ इस मकाम पे है, आपका और मेरा इख्तलाफ इस मकाम पे है। यहाँ पर मेरी अकल जो है, ये मेरी बंदा हकीर की अकल, आप इससे मुआफ़त नहीं करते, आप इसको एग्री नहीं करते, वो आपका मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुज्तहिद ने अकली कहा है वो इस वजह से कहा है कि इंसान की अकल कहती है कि मुझे पता चल गया जैसे मैं 15 साल का हुआ, मेरे ऊपर नमाज रोजे ये चीजें सारी वाजिब हो चुकी हैं, अब मेरे अंदर ये तवानाई और सलाहियत नहीं है कि मैं खुद रिवायात की तरफ जाकर रिवायात में तआरुज़ को खत्म कर सकूँ, रिवायात को पढ़कर उसमें से अपना शरी मसला निकाल सकूँ। ये अकल ने आपकी रहनुमाई की कि आप इससे आजिज़ हैं, मेरी अकल ये कहती है, आपकी अकल क्या कहती है, आप इससे आजिज हैं या आप इसके ऊपर कादिर हैं, आप बता दें ताकि पता चल जाए। चले मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना कि अगर एक 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 जो जिसके पास आप जा रहे हो, जिसकी आप तकलीद कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर वो साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई जिससे वो मतलब कि अपनी ये फतवा दे रहा है, अगर वो सिर्फ इतना अंदर हदीस डाल दे कि मैंने इस हदीस से इस ये रेफरेंस है इसके थ्रू मैंने ये मतलब कि अपना ये फतवा दे रहा हूँ तो वो ज्यादा बेहतर है, मैं ये बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने, वाकई हम भी आपकी इस बात से एग्री करते हैं। इसलिए शेख तुसी अली रहमान ने दो किताबें लिखी, ठीक है, शेख तुसी अली रहमान ने एक लिखी अल मबसूत फी फिक्र इमामिया, गालिबन उसका नाम अल मबसूत, इब्तदाई नाम तो यही है, उसके बाद एक लिखी अन निहाया। अभी मैं जैसे मेरा लैपटॉप कनेक्ट होता है मैं आपको दोनों किताबें दिखाता हूँ। शेख तुसी अली रहमान ने अन निहाया जब अल मबसूत लिखी तो उसके मुकदमे में बयान फरमाया कि मैं इस किताब में जो मेरी रविश है वो बाज मकामात पे मैं फकत डायरेक्ट फतवा बयान कर रहा हूँ, वहाँ पे हदीस नहीं दे रहा, बाज मकामात पे मैं हदीस भी मेंशन करूंगा, ठीक है। फिर उन्होंने आई दूसरी किताब लिखी अन निहाया फी मुजर्रद फिक्र इमामिया के नाम से, उसमें उन्होंने हदीस मेंशन नहीं की। आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह हमारे मुहद्दिसीन के अंदर ये दोनों रविशें रही हैं, तो इसलिए अगर ये रविश गलत और बिद्दत और हराम और जहन्नम का सबब बन रही होती, शेख अल्लामा बाकर मजलिसी ने एक किताब लिखी उसमें हदीस मेंशन नहीं की, उन्होंने फतवे बयान किए, उन्होंने सिर्फ आपको 2/2 चीजें बता दी कि ये करना है। उसके बाद शेख तकी मजलिसी अव्वल ने लिखी जो आज फिके फारसी के नाम से मौजूद है, वो भी मैं आपको कहेंगे, सारी चीजें दिखाऊंगा, इसमें से कोई बात ऐसी नहीं होगी जिस पे आप कहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो उन्होंने भी ये किताब लिखी। उसके बाद हत्ता के शेख हुर्र आमली जैसे मुहद्दिस ने मेरे भाई जो तकलीद के सख्त मुखालिफ, जिन्होंने किताबें अपनी किताबों में जगह जगह तकलीद के ऊपर एतराजात किए, वो भी किताब लिखते हैं जिसमें वो अहदीस मेंशन नहीं करते, अगरचे उन्होंने वसैलुशिया लिखी अहदीस लिखी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने सिर्फ फतवे दिए, अहदीस फतवे से मुराद है कि अगरचे यहाँ पे आप मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं कि भाई उनके जो फतवे थे वो अहदीस से माखूज थे, लेकिन अभी जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि भाई वो साथ हदीस मेंशन कर देते तो उन्होंने हदीस मेंशन नहीं की। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ पहुंचे, शेख तुसी ने भी किया, अलामा बाकर मजलिस अव्वल ने भी किया, मजलिस दोवम ने भी किया,
उसके बाद शेख हुर्रे आमली ने भी ये काम किया है, तो हमें ये चीज पता चलती है कि ये काम ना बिदत है, ना दीन के मुखालिफ है, ना अहले बैत की रिवायात के साथ बगावत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो रविश भी रखें, अब आ जाए वो रविश पे। आया फुकहा ने ऐसी किताबें लिखी हैं कि जिसमें उन्होंने हदीस भी मेंशन की, जी ऐसी किताबें मौजूद हैं। आप उस दिन भी मैंने साइट दिखाई थी बाकायदा, आप उस साइट पर जाएं, वहां पर मराजे के ये जो दीनी मसले जहां से आपके लिए बयान करते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइटें बना के दी है कि जहां पर उन्होंने बहस की और सारी रिवायात दी है। अभी मैं आपको कितनी रिवायात दिखाऊँ, उसके बाद एक मिनट रखिएगा, एक मिनट भाई, एक 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 आपका आपका ओपिनियन सर जानना है। जो जो मुजदीद सिर्फ फतवा देता है और जो मुजदीद साथ कोई एविडेंस देता है, मिसाल के तौर पे हदीस, कौन सा आपका आपके नजदीक कौन सा अकली तौर पे आपको कौन सा ठीक लगता है? आपका सवाल ये, हम पहले मैं आपके सवाल को खोलता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। आपने कहा कि एक मुजतहिद फतवा देता है, साथ में हदीस मेंशन करता है, दूसरा मुजतहिद सिर्फ फतवा देता है, ठीक है, इसमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर है, या आप किसकी तरफ, आपकी अकल किसकी तरफ जाती है? तो मैं ये कहता हूँ, इसलिए मुजतहिद ने ना पहला जो काम किया है, उसने जब एक तौजील मसाइल लिखी जिसमें उसने कई हजार मसले लिखे, ठीक है, कई हजार मसले लिखने के बाद उसने शुरू में कहा कि एक मुजतहिद जिस पे आपको एतमाद करना है ना, एक शख्स जिसके ऊपर एतमाद करें, किस चीज का एतमाद कर रहे हैं, आपको एतमाद है ये शख्स मुझे दीन अहले बैत से बताएगा, मुझे दीन उमरी से नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि आपने शुरू में वो कहा था। इसलिए मुजतहिद कहता है कि उस बंदे में ये शरायत होनी चाहिए, आप उसको आदिल समझते हो। आदिल क्या मतलब है कि ये ऐसे काम अंजाम नहीं देता जो खिलाफ शरीयत हो। अगर उस शख्स को आपने क्या समझ लिया, आदिल है, ये बंदा खिलाफ शरीयत काम नहीं करता, ये बंदा दीन अहले बैत का पाबंद है, तो वो मुझे और मुझे इत्मीनान भी आ जाता है उस बंदे पे। आपको नहीं आता कोई मसला, लेकिन मैं मुझ शहबाज को उस पर इत्मीनान भी आ जाता है अगर वो मुझे एक बात बता दे तो, और मुझसे मुझे उससे इत्मीनान हासिल हो जाए। चूंकि आपने और मैंने रिवायात के मुताबिक क्या है कि इल्म के साथ चलना है, यकीन और इत्मीनान के साथ चलना है, अपनी शरीर जिम्मेदारियों को निभाना है, मुझे यकीन हासिल है तो मेरे लिए ठीक है, मुश्किल नहीं है। ओके, मतलब वही बात उस पर आ गई ना कि एतमाद पे, जो बंदा एतमाद करता है किसी मुश्तेद के, जी जी बस मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर मिसाल के तौर पर किसी को एतमाद नहीं है किसी पे, मिसाल के तौर पर मुश्तेद पे, तो वो अगर ना करे तकलीफ तो वो गलत तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैंने इस रास्ते का इंतखाब करना है दीन पे अमल करने के लिए, ठीक है, अब एक तरफा बात होगी, मेरा ओपिनियन ले ली, मेरी सारी चीजें ले ली, अब आपकी 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 बारी, आप हाजिर हैं जवाब देने के लिए या नहीं, जाना है आपने? नहीं 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 बोले 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 हाँ चले, शुक्रिया, ये मेरी ओपिनियन आ गई, मैंने सारी जो चीजें आपने कहीं वो बयान कर दी जिस तरह हकीकत है, जो हम किताबों से या जो हमने जो हर जगह बयान करते हैं कहीं पर लगी लिपटी नहीं, और जो चीज बयान की दलील से बयान की है। अब मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया, मेरी अकल ने मुझे ये रहनुमाई की, आपने कहा मेरी अकल, शुरू में आपने कहा था मेरी अकल इस तकलीफ को, इस चीजों को नहीं मानती, मुझे इत्मीनान नहीं है, तो आपकी अकल तालीमात अहले बैत पे अमल करने के लिए किस रास्ते का प्रैक्टिकली तौर पर इंतखाब करती है, क्या करती है आपकी अकल? देखे, मैं अभी तो मैं अपनी से बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मिसाल के तौर पे कोई, मैं उस मतलब के आलिम के पास जाके, मैं तो ये चाहता हूँ ये जो सिस्टम बना, ये सिस्टम ही गलत है जो बनाया गया है, ठीक है, अभी अभी तो शहबाज भाई तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ 80% 99% जरियाब भाई और शहबाज भाई मेरी बात के पास, एक सेकंड मेरे भाई बात सुनिएगा। देखिए, हमारा जो हदफ है वो है कि हुक्म मासूमीन अलैहिस्सलाम को अखज़ करना, कि हमारे लिए मासूम ने क्या हुक्म बयान किया है। अभी चूंकि शहबाज भाई ने बता दिया है कि उनके नज़दीक क्या तरीका है, अब आप बताइए कि हुक्म मासूम को अखज़ करने का आपके नज़दीक क्या तरीका है? मेरा ये तरीका है कि जो बड़े बड़े हमारे मुश्तहिद हैं, ये लोग आम लोगों को, मतलब मिसाल के तौर पर ये जिस तरह फतवे देते हैं, अगर ये इसी तरह अपने या तो एक काम करें, या फतवों में अपनी हदीसें साथ रेफरेंस करें ताकि लोगों को एतमाद हो जाए, या फिर ये अपने जो शागिर्द हैं जितने हैं उनको ये तालीमात दें, इनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीसों की, ये क्या करते हैं, ये फतवे देते हैं, ये मशवरा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तरीका तो मैंने पहले बोल दिया कि अभी तक, अभी इस टाइम तो शियों के पास तकलीद के अलावा कोई तरीकाकार नहीं है, मैं वो यही बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर है कि अगर यह अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीसें सुनाएं लोगों को, जैसे पाकिस्तान में अक्सर होते हैं जो यहाँ पे मतलब के बड़े मुश्तहिद के सिर्फ फतवे सुनाते हैं लोगों को, अगर ये साथ या मुश्तहिद अपने फतवों के साथ हदीसें साथ देने लग जाए, अपने एविडेंस साथ देने लग जाए, वो और बेहतर है, वो फिर ये तमाम तजावीज हम मुश्तहिदीन को भेजते हैं कि आइंदा से वो इस तरह से करें। आपसे सिर्फ इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फुरुआत दीन पर मुश्तमिल 6 किताबों के, 6 हदीस की किताबों के मुझे नाम बताइए। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो पहले बोल दिया
कि मैं आलिम नहीं हूँ। आलिम होना ना होना कौन मैंने, बात मैंने मैंने तो पहले बोल दिया है, मैंने कोई छह किताबों के नाम बताए हदीस की, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ी है या नहीं, सिर्फ नाम बताए मुझे कि छह। जी जी काफी उसूल काफी फरुआत की किताब नहीं है, फरुए काफी मान लेते हैं, चले चले वही वही, बाकी बाकी तो मुझे नहीं पता इतनी। चलिए इनको तहकीक कीजिएगा, मसला नहीं है, तहकीक कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। सरियाब भाई आपसे जो है ना इजाजत भी चाहेंगे, आपको हमने जवाब दिए और आपको असूल काफी का ही नाम मालूम था, बहुत अच्छी बात है कि आप तकलीद को सही भी नहीं समझते और आपको नाम भी असूल काफी का पता है, बहुत अच्छी बात है। और आप दीन पे अमल करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है आजकल? आप पे बाजे मैंने सारी चीजें, उम्र क्या है आपकी, एज कितनी है? मेरी 27 साल, बस आप मुझसे तकरीबन कुछ साल ही बड़े होंगे, तो आप ये बताएं कि माजद छोटे होंगे, तो ये बताएं कि आप इस वक्त आपके पास रोड मैप क्या है, दीन पे अमल कर रही हैं या अभी तक तहकीक कर रही हैं? नहीं नहीं नमाज रोजा हज जो वाजिबात हैं वो अदा हो रहे हैं। वो रोड मैप क्या है आपके पास, कैसे कर रहे हैं, यानी तकलीद करके कर रहे हैं या हदीस पे अमल कर रहे हैं? हाँ अभी अभी तो तकलीद ही, अभी तो तकलीद ही है। चले चले चले, यानी शुक्र है। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैंने मैंने सर इतना बोला है कि अगर बेहतर हो कि हर मतलब कि जितने हमारे मुश्तिद हैं ये फतवों के साथ अगर अपने एविडेंस साथ दे दें कि हमने इस हदीस से ये फतवा लिया है तो वो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, बेहतर वाली बात सही है, हम तकलीफ। एक मिनट शहबाज भाई, जरियाब भाई ये बेहतर नहीं है, देखें हमारे यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको उसूल अरबा के नाम तक नहीं आते, अगर मुज्तहिद उनके सामने हदीसें खोल के शुरू कर दे, अब वो पूछें कि भाई हमने वजू कैसे करना है, और मुज्तहिद बता दे कि जी मैंने फुरुए काफी में इतनी हदीसें पढ़ी हैं, मैंने मल्ला यादुल फकी में इतनी हदीसें पढ़ी हैं, ये वो सारी रिवायतें हैं, इस्तिफसार में ये हैं, तहजीबुल अहकाम में ये हैं, वसाइल शिया में ये हैं, मुस्तदरक अल वसाइल में ये हदीसें हैं, इनमें ये रावी हैं, इनके ऊपर फलां की जरह है, और वो सारी। अच्छा, मेरी एक बात सुने, अपनी तहकीक पेश करें, आपको क्या लगता है क्या चीज़ आसान है? मेरी एक बात सुने, रमजान में आपने ट्रांसमिशन में जैसे ये शाहबाज भाई भी गए हुए थे, मैंने इनका सारा वो देखा, वो मौलवी लांती के साथ जो अल हदीस था उसके साथ मैंने वो देखा, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपने कभी कोई शिया आलिम को देखा है जो पाकिस्तानी, मैं उनकी नहीं बात कर रहा अराकी या ईरानी, मैं पाकिस्तानी उल्मा जो आम उल्मा है, कि मुझे ना जो गुस्सा है इन पे इस बात पे है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी, वो उमरी बैठे होते हैं, वो अबू बकर उमर उस्मान की हदीसें सुना रहे होते हैं, और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी जिस जो अरबी में हो, जो पहले अरबी पढ़ें उसके बाद वो सुनाएं, वो नहीं सुनाते। मुझे ये नहीं समझ आता था कि ये क्यों नहीं ऐसा करते, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये तो हदीसें पढ़ते नहीं है, ये तो फतवे हुए, मतलब फतवों के थ्रू फतवे समझते हैं। ये आपको इसलिए समझ आया होगा कि आपने सिर्फ खुद आज तक उसूल काफी का नाम सुना हुआ है भाई। चलो चलो, मैं तो जाहिल हूं, आप मुझे तो कह सकते हो, आप मुझे तो कह सकते हैं जाहिल करते हैं कि आपको उसूल अरबा का नाम तक नहीं पता। और चलो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ, मैंने तो मान लिया ये तो आलिम है, इन्होंने तो सर पे पटके रखे हुए हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती अहले बैत अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुना दे? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। जरियाब भाई आप अभी आपने जिस बंदे की तस्वीर लगाई हुई ना उसने भी पटका रखा हुआ है, ठीक है, उसके पटके बड़ा पटके वाली तस्वीर लगाएं, ठीक है भाई, मैंने अलकाफी पूरी नहीं पढ़ी। मैंने मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आप अब जातियात पे आ गए, आपका यही काम बोला पटका, आपने बोला, हमने तो नहीं बोला जातियात, आप देखिए गलत बात ना करें ना। मैंने किस पे बात की है? मैंने उन पे बात किया जो मैंने क्या बात किया, मैंने कोई गलत बात की? मैंने कहा अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस क्यों नहीं सुनाते, ये क्या मैंने गलत कहा? वो क्या कह, मेरी बात सुने, एक बंदा अभी सुने, अभी हमने कितनी देर बात की, हमने अहले बैत की हदीसें सुनाई है एक दूसरे को? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं तो जाहिल हूँ, आप चलो थोड़ा बहुत आलिम है। आप मुझे एक मिनट बात सुने, जरिया भाई आपने और मैंने गुफ्तगू, भाई एक गुफ्तगू चल रही है, आपने मेरी उस अमनपुरी के साथ गुफ्तगू सुनी, मैंने उसमें हदीस नहीं सुनाई, मैंने उसमें उसके इतराजात के रद्द किए उसकी किताब हदीसों की किताब से, उसी की किताब से सुनाई ना हदीस, वो अच्छा है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं यार उम्री हदीस भी चलती है आपको, मैंने नहीं, मैं उसको मानता थोड़ी हूँ, आपने तो उसको रद्द करने के लिए उसकी किताब से दी ना, मैं उम्री हूँ, आप मुझसे उम्री की बात कर रहे हैं यार, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अहले बैत ना, कि भाई वहाँ पे जब एक मौका मुनासिबत होगी किसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही हो, मौका मुनासिबत हो तो हदीसें बयान की जाती हैं, आपने इतने प्रोग्राम हुए हैं, हमारे मौलवी जाते हैं हदीसें भी पढ़ते हैं, आपने नहीं सुने, फराज भाई आपको लिंक भेजेंगे, उनको सुन लीजिएगा। अच्छा मेरी बात सुन लें, आप खुदा को हाजिर नाजिर का जान के कहें कि 30 दिन होती है ट्रांसमिशन, उमरी वहां से ना रोज किसी साहबी अब वो हुरैरा उनकी सबकी हदीसें सुना रहे होते हैं, और मैंने जितना देखा है, आप मुझे बोले कि मैं ये भी नहीं हूँ कि मतलब कि तकलीफ से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हमारे जो आलिम है ये इनको इतना तो होना चाहिए ना कि एक जो मुश्तीद कहते हैं ये हदीस सही है, चलो आप कहते हो हदीसें गलत हैं, कुछ हदीसें सही हैं, चलो इतनी तो हदीसें आनी चाहिए ना कि वो कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस सुना दें, और ताकि लोग
यार यकीन माने हम भाई, आप ओवैस रबानी की इसी मुबारक रमजान की ट्रांसमिशन खोल लें, उसमें हमारे उलमा ने इतने जबरदस्त फजाइल बयान किए। वो सुन्नी बैठ के वावा कर रहा था, अमीरुल मोमिनीन के फजाइल वो शिया किताब सुन्नी की तरफ से सुना रहे हैं, वो वावा कर रहे थे, आपने नहीं सुनी। देखें इमाम अली इस्लाम का फरमान है, मैं हदीस भी सुनाता हूँ आपको, कि इंसान जिस चीज से जाहिल होता है उसका दुश्मन होता है। जाहिल से मुराद क्या, एक चीज इंसान को नहीं पता वो उससे दुश्मनी पे तुलाता है। तो आप इस वक्त उन चीजों से जाहिल है, यानी क्या मतलब है, जाहिल से मुराद गाली नहीं, इससे मुराद है आपको नहीं पता कि क्या क्या हुआ या बयान करते हैं। कितने ही उलमा जाते हैं वो बयान भी करते हैं, सारा कुछ होता है। अगर एक आधा बंदा नहीं कर रहा उस एक आधे बंदे का फॉल्ट होगा, हमारे और ये जुम्मे के खुतबे जो दिए जाते हैं, आप जुम्मा पढ़ने जाते हैं वहां पर वो हदीसें नहीं सुनाते आपको, जुम्मे के खुतबे में जब वो खुतबा देते हैं हदीसें नहीं सुनाते आपको। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अक्सरियत जो है, जो टेलीविजन पे जाती है, अगर आगे से कोई उमरी अपनी हदीस सुना रहा है तो नाम बताएं जिसका आपने सुना उसने हदीस नहीं पढ़ी, नाम बताएं। शहंशाह नकवी, मैंने नहीं, ये नहीं है कि कभी नहीं सुनाता, मैं कह रहा हूँ कि उतना नहीं सुनाते जितने मिसाल के तौर पे उमरी सुना रहे होते हैं आप। क्वांटिटी कम है उनकी, क्वांटिटी मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कोई नहीं सुनाता, मैं कह रहा हूँ यार अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस मिसाल के तौर पे हमारे शिया बच्चों को तो पता चले ना कि इस चीज इस टॉपिक पे हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौकफ क्या है, उनकी हदीस सही होगा। ठीक है आप बता दीजिएगा इंशाल्लाह कि कितनी हदीसें कम से कम सुनाना चाहिए ताकि वो बंदा आपके लिए नजदीक अच्छा हो, कितनी हदीसें टोटल। मैं कह रहा हूँ जितनी भी सुनाया चाहे एक ही सुना दे, लेकिन सुनाया करें, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी आप कह रहे हैं थोड़ी सुनाते हैं, ये नहीं कह रहा कि ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी नहीं थोड़ी सुनाते हैं, ज्यादा सुनानी चाहिए। क्वांटिटी किस बात में कर रहा हूँ, आलमों की। अच्छा, अभी आपने शहंशाह नकवी साहब का नाम लिया, एक नाम लिया आपने, कहा वो सुनाते हैं लेकिन थोड़ी सुनाते हैं, ठीक है जी। अभी आप कह रहे हैं कि अभी और बंदे का नाम बताया था, पता चले वो बिल्कुल नहीं सुनाता। मैं बताता हूँ, मैंने शहंशाह हुसैन नकवी की बात जितनी भी सुनी है वो मफ़ून बता रहे होते हैं कि मफ़ून ये है जो वो तो हदीस में इजाजत दी है ना मफ़ूम बताने की, ये अलकाफी के अंदर ही रिवायत है, हदीस में इजाजत है मफ़ूम बताने की। चले फिर ठीक है, मुझे इसका इतना इल्म नहीं है। एक नहीं अलकाफी के अंदर, अगर आप अभी अभी रुके हैं तो मैं आपको इसकी हदीसें भी दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। क्यों शख्सियात को डिस्कस कर रहे हैं, बस हम इनसे इजाजत ले। ठीक है ओके ओके शुभाष भाई, शुक्रिया।